नौकरी के बिना जीवन क्या है, मतलबी इंसान की क्या पहचान है, शादीशुदा औरत की कैसे पहचान करते हैं, कम पढ़े लिखे होने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नौकरी के बिना जीवन क्या है। संस्कृत में एक श्लोक है, स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो न जना कुता मनुष्या। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोष किया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नौकरी की चिंता सभी युवाओं को होती है। मध्यम वर्ग में पढ़ाई के बाद नौकरी का बड़ा दबाव होता है। माँ बाप जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके पढ़ाई पूरी करवा पाते हैं, इस कारण बेटा बेटी की नौकरी की चिंता करते हैं। सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के लिए सभी जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी कम है और उम्मीदवार बहुत ज्यादा। एक अनार और 100 बीमार। जिनके बच्चों की नौकरी लग जाती है वो किसी न किसी बहाने घर आकर घुमा फिरा कर अपने बच्चों की बड़ाई करते रहते हैं, और हमें मुर्गे अयोग्य निठल्ला अयोग्य ठहरा कर चाय नाश्ता कर चले जाते हैं। माँ बाप कुछ को छोड़कर बेरोजगार को व्यंगवाड़ों से लहू लुहान कर देते हैं। खाते समय, पीते समय, सोते समय, हर समय जिनकी नौकरी लग गई हो उनका नाम लेकर तुलना करते रहते हैं। उस समय ऐसा लगता है दुनिया का सबसे हीन प्राणी हूँ। नाना दादा मामा चाचा बिन मांगे ही और सलाह देते हैं, जैसे हमें माँ बाप की मुफ्त की रोटी तोड़ने में मजा आ रहा हो। कहीं जाना हो, पेट्रोल डलवाना हो, कुछ पैसों की जरूरत हो, उस समय जो आत्मा की ग्लानी होती है उसका वर्णन करना काफी मुश्किल है। दिन में आँख खुलते ही पैसा, बिस्तर पर जाते ही पैसा, पैसा पैसा पैसा। बिना पैसा के संसार में कुछ नहीं, ऐसे विचार मन में आने लगते हैं और खुद की जिंदगी काफी खराब लगने लगती है। पर दोस्तों, मेहनत का फल मिलता है, ईश्वर सबकी सुनता है। दुनिया में आए हैं तो खाली हाथ हमें नहीं रहना होगा। देर से ही सही, लेकिन नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी और मिलेगी। तब तक दुनिया को समझने के मौके का फायदा आप उठा सकते हैं। भगवान के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। मतलबी इंसान की क्या पहचान है। जिस तरह से हमारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से इस दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। जिस तरह से सभी लोग एक दूसरे के रंग रूप शक्ल में अलग अलग तरह के होते हैं, उसी तरह से सभी लोगों के स्वभाव भी अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ लोग मिलनसार होते हैं, तो कुछ दयालु, तो कुछ स्वार्थी, और कुछ लोग मतलबी। आइए जानते हैं मतलबी लोगों की पहचान कैसे करें। नंबर 1, काम पड़ने पर चापलूसी करना। मतलबी लोगों की पहचान यह होती है कि उन्हें अगर कोई काम होता है तो वो बार बार हमारी चापलूसी करते हैं। जो इंसान कभी हमें पूछता भी नहीं था, लेकिन आज वह हमारी बात बात पर चापलूसी कर रहा है। नंबर 2, काम पड़ने पर खिलाना पिलाना। मतलबी लोगों की यह भी पहचान होती है कि जब भी उन्हें कोई काम होता है तो वो हमें कुछ ना कुछ जरूर खिलाते पिलाते हैं। जो इंसान आज तक हमें पूछता भी नहीं था, लेकिन आज मतलब पढ़ने पर वह कुछ ना कुछ हमें खिला पिला रहा है। नंबर 3, अपना प्यार बरसाना। जो लोग आज तक हमसे मुंह मोड़ कर चलते थे, लेकिन आज मतलब पढ़ने पर वे हमें अनोखा प्यार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ना जाने वो हमारे कितने ही करीबी रहे होंगे। नंबर 4, बुरे समय में बात नहीं। मतलबी लोगों की यह भी एक पहचान होती है कि वह कभी भी बुरे समय में बात नहीं करते। उन्हें यह लगता है कि सामने वाला कहीं हमसे कोई मदद न मांग ले, इसलिए वो हमसे पीछा छुड़ाते रहते हैं। शादीशुदा औरत की क्या पहचान होती है। आजकल तो शादीशुदा औरत या कुंवारी औरतों में फर्क करना काफी मुश्किल हो काम हो गया है। पहले तो मंगलसूत्र, बिंदिया, माथे पर सिंदूर, पायजेब, चूड़ी, चूड़ा और चेहरे की रौनक ही सब कुछ बयां कर देती थी। महिलाओं की चाल और हाव भाव भी सब कुछ बयां कर देते थे। लेकिन अब तो कुंवारी लड़कियां भी फैशन के चक्कर में ये सब पहनने लग गई हैं। फिर भी चेहरे की मासूमियत और नजाकत से अनुभवी प्राणी तो पता लगा लेता है कि शादीशुदा कौन है और कुंवारी कन्या कौन है। धीर, गंभीर और जिम्मेदारियों का एहसास लिए हुए भाव चेहरे पर दिखें और शरीर पर मोटापा का असर दिखना शुरू हो तो समझ लेना चाहिए कि ये महिला विवाहित है। कुंवारी लड़कियां ज्यादातर बिंदास, मुंहफट, चेहरे पर मुस्कान और तेज शरीर की केयर करने वाली, सौंदर्य पर ध्यान देने वाली और पतली और सुरक्षित शेप वाली मिलेंगी। बहुत कम लड़कियां ही बेडोल मिलेंगी। कम पढ़े लिखे होने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, कम पढ़े लिखे होने के कुछ ये फायदे हैं। नंबर 1, घर वाले शादी जल्दी करवा देते हैं और आप भी तुरंत मान जाते हैं।
और फिर बच्चे पैदा करना, पत्नी से झगड़ा करना, अपने ससुराल वालों को गाली दो और जिंदगी खुशहाल बन गई बस। नंबर टू, रिक्शा चलाना, सामान ढोना, ड्राइवर बनना, ऐसे कुछ हुनर के मालिक आप हो जाते हैं और आप इच्छाओं को नियंत्रित करने में माहिर बन जाते हैं। नंबर थ्री, आप तंबाकू खाकर कैंसर से मरते हैं तो भी आपको कोई गवार नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें लिखा आप पढ़ नहीं सकते। वहीं पढ़े लिखे अगर ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पढ़ा लिखा हुआ गवार कहा जाता है। नंबर फोर, आपकी यकीन करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो सुनते हैं आप उसको मान लेते हैं। उसके पीछे तर्क वितर्क करने का साहस, आपका आत्मविश्वास आपको नहीं देता। नंबर फाइव, कम पढ़ा लिखा होना आपको पढ़े लिखे होने से ज्यादा विनम्र बनाता है, लेकिन यह आपके मौलिक अधिकारों पर भी प्रहार करता है। कम पढ़ा लिखा होना ना ही एक अभिशाप है और ना ही वरदान, यह एक मध्यस्थता की स्थिति है। इसलिए इसमें कुछ पॉइंट में व्यंग है और कुछ पॉइंट में सत्य है।